हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश गुप्ता आरबीएम से। तो आज हम सीखने वाले हैं अपनी ऑटोकैड की दो नई कमांड्स के बारे में, जिसका नाम है फ्लिट और चैम्फर। शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम अपना फ्लिट एंड चैम्फर। तो हमारे पास कमांड आती है फ्लिट एंड चैम्फर। तो सबसे पहला क्या चीज है कि फ्लिट होती क्या है? तो फ्लिट का काम होता है टू मेक कॉर्नर्स राउंड, हमारे कॉर्नर्स को राउंड करना। तो जरा इनको समझते हैं कि कैसे होते हैं। तो लाइक जैसे हमने अपनी लाइन कमांड से कॉर्नर्स बनाए, तो जैसे हमारे पास ये कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर्स को बना देते हैं हम सीधे कुछ। देख, मैंने 100 की लाइन ली, 100 एंड देन 100, ठीक है। तो अगर मुझे इसको कॉर्नर्स को राउंड करना है तो किस तरीके से राउंड करेंगे? तो हमारे पास डायरेक्ट कमांड है। कमांड क्या है हमारे पास? एफ एंटर। हमने किया एफ एंटर, फिर कह रहा है वो आर एंटर। हमने किया आर एंटर। अब आर एंटर क्यों कर रहे हैं? देखो, जब हम एफ एंटर करते हैं तो हमारे पास बोलता है रेडियस, जिसका कैपिटल लेटर ब्लू हो रहा है वो आर है। तो आर एंटर यानी रेडियस डालने के लिए, तो हमने किया आर एंटर। फिर आता है रेडियस, क्या आता है? रेडियस वैल्यू, गिव रेडियस एंटर। तो हमने रेडियस दे दी कि मुझे 20 के फ्लिट लगानी, 20 लगा दिया। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, तो मेरे पास लाइनों के बीच में फ्लिट लगती है, तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, तो मेरी फ्लिट लग गई, कॉर्नर्स राउंड हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़, कॉर्नर जब राउंड हुआ तो आपने देखा यहाँ पे भी वो टेंजेंट था, यहाँ पे भी वो टेंजेंट था। क्या कॉर्नर्स राउंड कैसे हो रहा है? टेंजेंट से हो रहा है। तो आप कॉर्नर्स राउंड कर कैसे सकते हो? हमने एल एंटर किया, मैं सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ और 20 की मार्किंग एक बार एक्स में लेता हूँ और 20 की मार्किंग एक बार वाई में लेता हूँ। तो देन मुझे यहाँ पे एक सेंटर मिल जाता है और देन यहाँ पे हम एक सर्कल बना सकते हैं 20 रेडियस का। तो आपको देखने को मिलेगा कि सर्कल हमारा यहाँ पे भी टेंजेंट हो रहा है और यहाँ पे भी टेंजेंट हो रहा है। और टी आर डबल एंटर से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं और ओवरलैप लाइंस को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारा बेसिक मैनुअल तरीका हो गया राउंड करने का, वो तो ये हो गया कि हम अपनी एक मार्किंग ले लें कि पता चल सेंटर का, सेंटर निकाल लें और वो हमारा फ्लिट हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे समझ में क्या है कि भाई एक सर्कल है जो दो बॉडीज पर टेंजेंट हो रहा है। तो आपको पता होगा हमारे पास एक कमांड होती है सी एंटर, टी एंटर फॉर टी टी आर, सेलेक्ट फर्स्ट टेंजेंट, सेलेक्ट सेकेंड टेंजेंट एंड गिव रेडियस एंटर। तो एक सर्कल ऑटोमेटिक टेंजेंट होके बन जाता है, तो वो भी हमारा फ्लेट का काम कर सकता है। तो ये तो था मैनुअल तरीका। क्या था? मैनुअल तरीका। लेकिन प्रॉपरली अगर मुझे फ्लेट लगानी है, डायरेक्ट इस काम से बचना है, तो हमारे पास डायरेक्ट कमांड दी गई है हमको, फ्लेट कमांड। एफ एंटर, आर एंटर, गिव रेडियस एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकेंड लाइन। लेकिन एक चीज है, आप देख रहे हो ये लाइन ट्रिम नहीं हुई, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखाई हुई नोट में, यूज ट्रिम और मल्टीपल बिफोर यूजिंग सेलेक्टिंग लाइन्स। लाइन सेलेक्ट करने से पहले आप ट्रिम और मल्टीपल का यूज कर सकते हो। अब ट्रिम का मतलब क्या है? ट्रिम का मतलब है ऑन ऑफ ऑटो ट्रिम, यानी ऑटोमेटिक ट्रिम हो जाए। ये ऑटोमेटिक ट्रिम नहीं हुआ ना मेरा, तो यानी मेरा ऑटोमेटिक ट्रिम क्या है? ऑफ है। तो उसको ऑन कहाँ से कर सकता हूँ? ट्रिम में जाके। और सेम होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कंटिन्यूस यूज ऑफ कमांड, यानी कमांड कंटिन्यूस यूज होती रहे। तो जैसे मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करता हूँ, एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस मैंने इस बार 30 लिया, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कमांड मेरी बंद हो गई है कि नहीं। अब मैं अगर दोबारा फ्लेट लगाऊंगा कहीं किसी कॉर्नर पे, जैसे कॉर्नर यहाँ बना दिया 100 का, तो यहाँ पे फ्लिट नहीं लगेगी। तो अब क्या कर सकते हैं हम? एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस हमने डाली, लाइन सेलेक्ट करने से पहले यूज करेंगे ट्रिम और मल्टीपल। अब ट्रिम में मैं गया तो मालूम पड़ता है ट्रिम और नो ट्रिम। ट्रिम का मतलब है ट्रिम हो जाएगा यानी ऑन, और नो ट्रिम का यानी ऑफ। तो यहाँ सेलेक्टेड है नो ट्रिम, हमने किया ट्रिम, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑटोमेटिक ट्रिम, बट मेरी कमांड हो गई बंद। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? एफ एंटर, आर एंटर, जब रेडियस हमने डाला, ट्रिम को कर दिया हमने नो ट्रिम, सॉरी ट्रिम को कर दिया हमने ट्रिम, एंड मल्टीपल पे क्लिक करना है और देन फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, एडवांटेज हो गया हमको इस चीज़ का। तो इसी तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, आर ई सी एंटर एंड देन एट द रेट, और लेंथ लेता हूँ 150 × 60, मेरा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब मैं इसमें फ्लिट लगाना चाहता हूँ 10 10 की ऑल कॉर्नर्स पे, तो एफ एंटर, आर एंटर, 10 रेडियस एंटर और मल्टीपल यूज करेंगे ताकि कंटिन्यूस लग जाए। क्लिक किया आराम से,
अभी याद आया, यहाँ पे तो 10 10 थी लेकिन यहाँ पे 30 30 थी। तो क्योंकि मल्टीपल लगे होने से मेरी कमांड कंटिन्यूस है, तो मुझे बस रेडियस चेंज करने के लिए आर एंटर करना है और देन रेडियस चेंज कर देनी है 30। ठीक है, तो एडवांटेज हो गया मेरे को, 10 10 प्लेट यहाँ पे, 30 30 यहाँ पे। रेडियस देने के लिए डी आर ए एंटर आप करेंगे और यहाँ पे आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, ओके। ये तो थी हमारी फ्लिट कमांड जिसमें हम ये नोट यूज स्ट्रीम एंड मल्टीपल कर सकते थे। ये मैंने एक क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही कमांड में लगता है और दोनों कमांड हमारी बहुत सिमिलर है। देखो अगली कमांड हमारी आती है चैम्फर। क्या आती है? चैम्फर। इसका काम होता है एक कॉर्नर को डबल कॉर्नर बना देना। ठीक है, वन कॉर्नर को डबल कॉर्नर बना देना। तो हमने क्या किया, सिंपल एक लाइन ली 100, एक लाइन ली 100। अब अगर मैं डबल कॉर्नर बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल एक क्या करूँगा, एक एल एंटर करूँगा और तो अपना ऑफ कर सकता हूँ, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिला दूंगा और ट्रिम कर दूंगा। यही तरीका तो होता है, पर ये चीज़ मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे दो लेंथ पता हो। कौन कौन सी? सबसे पहली लेंथ ये वाली फर्स्ट, जिसको मैं कहूँगा D1। क्या कहूँगा? D1। डिस्टेंस वन, जो मेरी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी इस अलाइन लाइन की। दूसरी जो मैं डिस्टेंस चाहूंगा वो कौन सी होगी? ये वाली, जिसको कहा जाएगा D2। क्या कहा जाएगा? D2। तो यानी मेरे पास दो डिस्टेंस पता होनी चाहिए तभी मैं इस लेंथ को ड्रॉ कर पाऊंगा। सीधी सी बात है। या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन ऑप्शन बचता है? एक सेकेंड, मेरे पास एक ऑप्शन और बचता है कि या तो मेरे को ये डिस्टेंस बताओ एक, या मुझे एंगल बताओ। क्या बताओ? एंगल। तो मैं ए एन जी डी ए एन कर सकता हूँ, डी ए एन, डी फॉर डायमेंशन, ए एन फॉर एंगल। तो आप देखो एंगल यहाँ पे हमको दे दिया 50 डिग्री, तो ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, हमको या तो D1 पता हो या फिर एंगल पता हो, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो मुझे D1 D2 पता हो या मुझे D1 और एंगल पता हो। तो ऐसे हमारी कमांड दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेंथ लेंथ और लेंथ एंगल। ठीक है, अब इस कमांड का यूज़ कैसे करेंगे हम? अब बिल्कुल सेम टू सेम फिलिट कमांड, जैसे जैसे एफ एंटर करते थे फॉर फिलिट, सी एच ए एंटर फॉर चैम्फर, आर एंटर फॉर रेडियस, क्योंकि फिलिट रेडियस से बनती है, तो चैम्फर में दो लेंथ चाहिए, तो डी एंटर फॉर डिस्टेंसेस, टू डिस्टेंसेस के लिए। देन हम उसमें गिव रेडियस डालते थे, क्योंकि उसमें रेडियस डालनी होती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों लेंथ है तो हमें दोनों की वैल्यू अलग अलग बतानी है। तो गिव फर्स्ट लेंथ एंटर, गिव सेकेंड लेंथ एंटर। ठीक है, दोनों लेंथ होने के बाद हमको सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का यूज करना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सेम लेंथ एंगल में हम आ जाते हैं, सी एच ई एंटर फॉर कमांड, ए एंटर फॉर एंगल, गिव फर्स्ट लेंथ एंटर और गिव सेकेंड एंगल, क्योंकि फर्स्ट लेंथ है और सेकेंड एंगल है, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। और ट्रिम और मल्टीपल का सेम यूज होगा चैम्फर कमांड में भी, जिस तरीके से फ्लिट में होता था। देखते हैं आइए सब सब मिलके। तो हमारे पास ये दोनों है, इसको मैं ज़रा मूव करके सामने आपके सामने यहाँ रख देता हूँ ताकि वो सामने क्लियर विजिबल हो। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है जिनको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, आर ई सी रेक्टेंगल, जिसमें मेरे पास एट द रेट लगाया 150, 60, रेक्टेंगल बना दिया। अब मुझे इसमें चैम्फर लगाना है और मुझे चैम्फर दिया गया 20x30 का, कितना? 20x30। तो मैंने सी एच ए एंटर किया, डी एंटर किया, डिस्टेंस। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट लेंथ किसको लें, सेकेंड लेंथ किसको लें, पर आप एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि डिस्टेंस वन हमेशा एक्स एक्सिस के लें और डिस्टेंस टू हमेशा वाई एक्सिस के लें, या कैसे भी आप चाहें। तो मैं पहले 20 डाल देता हूँ, देन 30 डाल देता हूँ। अब 20 किसकी है, 30 किसकी है, ये ध्यान रखना है हमको, बस 20 जो हमने पहले डाला है, तो जिसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे वो डिस्टेंस फर्स्ट उस पर जाएगी और देन सेकेंड सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंड उसके ऊपर जाएगी। तो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया दिस, सेकेंड सेलेक्ट किया दिस और कमांड चली गई, तो 20x30। तो आप चेक करोगे डिस्टेंसेस 20 एंड 30। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलर आप एंगल के साथ कर सकते हो। मैंने किया सी एच ए एंटर, ए एंटर, ठीक है, सी एच ए एंटर, ए एंटर, और यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया वैल्यू कि मेरे को चाहिए 30 का लेंथ चाहिए और 60 डिग्री का एंगल चाहिए, कितना? 60 डिग्री। तो फर्स्ट लेंथ डलती है देन एंगल डलता है,
तो जो भी लाइन आप पहले सेलेक्ट करोगे उस पर लेंथ जाएगी देन एंगल, तो एक्स पे 30 एंड देन एंगल 60 डिग्री। चेक कर सकते हैं हम DLI एंटर, ये आपका एक्स हो गया 30 डिग्री और एंगल आप चेक करोगे तो 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर होगा, वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं कैसे हम इस फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक डायग्राम है जो हमारी बुक में है। आप ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, तो हमको यह दिख रहा है कि इसको यहाँ पे ये टेपर्स दे रखी हैं, तो ये हमारा चैम्फर है। आप पहचानेंगे किसे के एंगल लगा या लेंथ लगनी है। अगर आपको कहीं पूरे फिगर के अंदर एंगल गिवन है तो समझ जाइए आपको चैम्फर एंगल वाला लगाना है, लेकिन अगर नहीं है गिवन तो हमको लेंथ लगानी है, लेकिन लेंथ कैलकुलेट खुद करनी पड़ेगी। तो अब हम लेंथ कौन सी कैलकुलेट करेंगे, तो हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारी जो अलाइन लाइन होगी उसकी एक्स और उसकी वाई। तो अगर मैं इस अलाइन लाइन को देखूँ तो मुझे इसकी एक्स मुझे दे रखी है 10.25, लेकिन मुझे यहाँ वाई नहीं दे रखी। तो वाई निकालने के लिए मैंने कहा टोटल लेंथ में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ तो मुझे ये अलाइन लाइन मिल जाएगी। टोटल है मेरा 24, ये है मेरे पास 6, तो ये हो गई मेरे पास 18। तो 18 by 10.25 का चैम्फर हमारे पास मिल गया। तो हमने क्या किया, पहले एक रेक्टेंगल बनाया यानी 39 और 24 का। तो हमने सिंपल ऑटोकैड में REC एंटर किया, एट द रेट किया 39 फॉर एक्स एक्सिस एंड 40 वो कितना था हमारे पास 29 और 24 वाई एक्सिस, रेक्टेंगल बन गया। आपने चैम्फर कमांड लगाई CHE एंटर, दो डिस्टेंसेज है इसलिए D एंटर। फर्स्ट आपने डाला कितना, कितना डाला हमने, कोई भी ले ली 10.25 यानी x की वैल्यू। दूसरा हमने लिया 18, ठीक, यूज़ किया हमने मल्टीपल, क्या किया मल्टीपल, क्योंकि बार बार लगाना x देन y, ईजी हो गया हमारे लिए काम करना, हमारा चैम्फर तैयार है। बाकी फिगर्स बनाने के लिए आप बाकी कमांड लगा सकते हैं, जैसे ऑफसेट लगेगा या जो लगेगा आप लगा सकते हो। जैसे मैंने ऑफसेट ले लिया, मुझे पता है यहाँ से 9 देन 21 जाना है, तो मैंने सिंपल ऑफसेट ले लिया 9 का। सॉरी पहले इसको एक्सप्लोर कर देते हैं क्योंकि वो डिफरेंस है, तो एक्सप्लोर देन ऑफसेट ले लेते हैं पूरा 9 देन 21, या ऑफसेट यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी 9 ही ले लो, ठीक है। आप एक्सटेंड कमांड से इसको एक्सटेंड कर दो, ऑफसेट ले लो 6 का और देन इसको नीचे एक्सपोर्ट कर दो। ट्रिम कमांड से आप ट्रिम कर सकते हो सब चीज़ों को। एक मिड लाइन ले लो और यहाँ पे आपको ऑफसेट दिया हुआ है 6 का, तो आप 3 का ऑफसेट लगा सकते हो, 3 इधर 3 इधर। डिलीट एंड ट्रिम कमांड से ट्रिम, और हमारा ये फिगर हो जाता है तैयार। डायमेंशन आप दिखा सकते हो सारी, टोटल है हमारी 39, एंडिंग आपको दे रखा है 24, साथ में हमको इसका दे रखा है हमको 10.25, टोटल हमको यहाँ पे इसी लाइन से दे रखा है हमको इस लाइन का 16.5, ठीक है। और टोटल हमको यहाँ से यहाँ तक का भी दे रखा है, टोटल सॉरी यहाँ से और कहाँ डिस्टेंस दे रखी है हमको 28.5। इसको बेस लाइन डायमेंशन कहते हैं, जब भी डायमेंशन आप इस तरीके से देखें तो उसका मतलब होता है बेस लाइन डायमेंशन, ठीक है। 6 6 21, ठीक है, और DLI एंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस 9, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया हमारा चैम्फर डिस्टेंसेस वाला। अगर आपको सेम एंगल वाला चैम्फर लगाना है तो आप चैम्फर लगा सकते हो सिमिलरली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस, यहाँ तक के लिए यहीं तक, बाकी आगे कमांड के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।